So a lot of you guys have requested me to make this video, so finally I'm making this video. Hey guys, मैं हूँ अंकित टेक्नोलॉजी दुनिया से और आज आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों. और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 500 रुपए के टेम्पर्ड ग्लास के बारे में जो कि पैंथर शील्ड की तरफ से, और इसके रिव्यू के बारे में आज हम बात करेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ. कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पैंथर शील्ड के टेम्पर्ड ग्लास के बारे में, तो उसका लिंक आपको इधर या इधर कहीं आई कार्ड्स में मिल जाएगा. अगर वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना. एंड अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके रिव्यू के बारे में. दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इसके क्वालिटी के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो टेम्पर्ड ग्लास था ये काफ़ी ज़्यादा पतला था. जैसे कि आपने मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा था, पतले होने के बावजूद इसकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड ये स्मार्टफोन करीब मुझसे 3 से 4 बार गिर चुका है, अभी तक इसमें कोई भी क्रैक जैसी चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली है. तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर मिला इस टेम्पर्ड ग्लास से. लेकिन इसका डाउन साइड भी है. यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस देखने को मिले हैं, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हो. यही चीज़ मेरे पोको F1 पर भी हुआ था, जो कि फिलहाल के लिए मेरे पास नहीं है और मेरे भैया के पास है एंड वो अभी आउट ऑफ टाउन है, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो. लेकिन दोस्तों इस टेम्पर्ड ग्लास को यूज़ करते करते मुझे 5 महीने हो गए और यार मुझे नहीं लगता है कोई भी नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास 100 रुपये वाला या फिर 50 रुपये वाला टेम्पर्ड ग्लास 5 महीने चल पाता है. वो कहीं ना कहीं टूट ही जाता है और वहाँ पर उसकी टच सेंसिविटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है. मतलब कि वो टच करने पे भी ठीक से काम नहीं करता है उस टेम्पर्ड ग्लास की, जो इतनी ज़्यादा स्क्रैचेस हो जाता है जिसकी वजह से टच नहीं काम करता है. लेकिन यहाँ पर इतने सारे स्क्रैचेस होने के बावजूद यहाँ पर ये टच इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम कर रहा है. मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पर मैं आसानी से कुछ भी इस्तेमाल करता हूँ. इवन गेम खेलने के सिचुएशन में भी यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है. और दोस्तों मैंने कई सारे नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास में देखा है कि बहुत समय के बाद वो येलोइश हो जाता है, जिसके वजह से उसकी स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस होती है वो इफेक्ट कर जाती है और लाइट एमिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. एंड यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से लाइट एमिट नहीं हो पाती. और एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस टेम्पर्ड ग्लास में जो साइड्स है, बहुत सारे नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास में होता है कि नॉर्मल साइड से ये निकलने लगता है, बट इस टेम्पर्ड ग्लास में मुझे कोई भी इशू नहीं आया. जब से ये लगा है तब से ऐसा ही है और एक बार भी ये निकल कर बाहर नहीं निकला है. वहीं दोस्तों अगर बात करें USB केबल की, तो USB केबल की भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. करीब 5 महीने हो गए इसे यूज़ करते हुए एंड अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है. इसे मैंने परमानेंटली अपने PC पर अटैच करके रखा है, जब भी मुझे फ़ोन कनेक्ट करना होता है मैं इसको यूज़ करता हूँ. और दोस्तों जैसे कि मैंने अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बताया था कि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अभी भी इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है. और इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंस होने के बाद भी यहाँ पर कोई भी वायर्स की प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी मिस अटैचमेंट की प्रॉब्लम नहीं आई. फ़ोन जब भी कनेक्ट करता हूँ अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ हो मेरा. दोस्तों अगर आप बात करें आपको ये टेम्पर्ड ग्लास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप इसको एक बार लेकर देख सकते हो और यहाँ पर एक अच्छा डील हो सकता है. लेकिन कई सारे लोगों को ये थोड़ा महंगा लगे, तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर एक अच्छे टेम्पर्ड ग्लास के साथ आपको एक अच्छा USB केबल मिल रहा है. और अगर इसको मार्केट से कंपेयर किया जाए तो एक अच्छे USB केबल की कीमत करीब 200 रुपये से लेकर 250 रुपये के पास वैरी करती है. तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप इसको एक बार ले सकते हो और देख सकते हो. और यहाँ पर मुझे करीब 5 महीने हो गए, अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 महीने हो गए अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें अदर देन स्क्रैचेस. और दोस्तों एक और बात, जब भी आप पैंथर शील्ड से कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम परचेस करोगे तो वहाँ पर इनका कहना ये कि आप इसके पार्टनर टीम बन जाओगे और यहाँ पर आप कुछ भी खरीदोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे. एंड यहाँ पर फॉर ईच 10 रुपीज यू विल गेट 1 पॉइंट. मतलब कि अगर आप 500 का कुछ भी खरीदते हो तो यहाँ पर आपको 49.9 पॉइंट्स मिलेंगे. एंड लेटर ऑन आप इन पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो किसी और प्रोडक्ट को खरीदने में इनकी वेबसाइट से. तो दोस्तों अगर आपको ये टेम्पर्ड ग्लास लेना है तो आप एक बार जरूर चेकआउट करो इनकी वेबसाइट को. इनकी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और यहाँ अगर आपको नहीं भी लेना तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो. और साथ साथ अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह गया है इस टेम्पर्ड ग्लास और इस USB केबल से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा. और साथ साथ अगर आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और वहां पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं. तो जल्दी जाओ, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ यहां पर पॉपअप भी हो रहा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. I'm the one.